भाई गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछले टर्म पर आपको प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट की डिफिनेशन और उसके वैल्यू निकालने के लिए बताया गया था। आज उसके आगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं जिसके बेस पर आपको क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे उसमें थोड़ा आपको आसानी रहेगी। इन आपके पास 6 या 7 प्रॉपर्टीज हैं मेन, जिसके अनुसार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगा उससे। जैसे आपको फर्स्ट प्रॉपर्टीज दी गई है, प्रॉपर्टी फर्स्ट है, जैसे कि कोई डिटरमिनेंट दिया गया है, अगर उसको रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर दें तो उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कोई डिटरमिनेंट दिया गया है, अगर हम उसको रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं तब उसकी हम वैल्यू निकालें तो उसके वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेम आप वही वैल्यू जो फर्स्ट डिटरमिनेंट में आएगी वही वैल्यू आपको सेकेंड में भी रहेगी। ओके, तो इसमें प्रॉपर्टी फर्स्ट, जैसे कोई डिटरमिनेंट दिया गया है, अगर हम उसके कॉलम या रो को अल्टरनेट चेंज कर दें द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ रो एंड कॉमन और इंटरचेंज। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉमन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम्स और इंटरचेंज अगर किसी डिटरमिनेंट के रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर दें तो उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे इसमें A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 equals to, अगर हम रो को कॉलम कर दें कॉलम को रो में, तो A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 दोनों की वैल्यू सेम होती है। एग्जाम्पल से देख लीजिए, जैसे कोई डिटरमिनेंट दिया गया है 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 5, 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, तो इसकी वैल्यू आएगी 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 5, 1। अब दोनों डिटरमिनेंट की आप वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे आपको इसका एक्सपीरियंस बताया गया था नेक्स्ट टर्म पे। तो अब इसमें इसकी वैल्यू जब फर्स्ट वन लेंगे क्या होगा, ये कॉलम छोड़ जाएगा और ये रो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, ये जाएगा वन लेंगे हम, ये आपका रो कॉलम छूट रहा है, रो 4 × 1 4 5 × 6 30, 4 − 30 क्योंकि प्लस माइनस प्लस, जो आपका रो का डिटरमिनेंट की साइन था ये प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ई। सो आप यहाँ माइनस टू लेंगे, यह आपका कॉलम छूट जाएगा और ये रो बचा 2631। क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, 2 × 1 2, 3 × 6 माइनस 18 हो जाएगा। और 3 लेंगे प्लस 3, ये कॉलम छूट जाएगा और ये रो तो जाएगा 5 × 2 = 10, 3 × 4 = 12 माइनस 12। यहाँ माइनस करेंगे तो जाएगा -26 और यहाँ -16 तो -16 × 32 माइनस माइनस प्लस 32 और प्लस यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा -6। ओके तो अब इसमें इसको सर ऐड करेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका -6 -26 32 तो -32 प्लस 32 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं कि हम मान लेंगे तो 1 ये आपका कॉलम ये रो छूटा, 4 × 1 = 4 और इसमें 5 × 6 = 30 तो जाएगा -30। ये हमने यहाँ 2 लिया -2, ये कॉलम और रे रो तो जाएगा यहाँ पर 1 2 5 = 15। ओके तो रो कॉलम यहाँ जाएगा -15 और प्लस 3 लेंगे, यहाँ पर कॉलम छोटा है रो 6 × 2 = 12 माइनस यहाँ जाएगा 12। तो अब इसमें 26, अब यहाँ पर माइनस कर देंगे -26 और यहाँ 13 -13 माइनस माइनस प्लस 13 × 26 -12 12 - 12 जी। तो 20 − 26 + 26 = 0, दोनों को वैल्यू आए सेम। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। रो और कॉलम को इंटरचेंज करते रहे हैं तो उसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी, जैसे कोई डिटरमिनेंट्स दिए गए हैं, जैसे कोई दो डिटरमिनेंट्स कोई डिटरमिनेंट्स दिया गया है, अगर हम उसको रो अथवा कॉलम को उसी में इंटरचेंज करें तो उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होती लेकिन उसकी साइन जो है चेंज हो जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर किसी डिटरमिनेंट की रो को रो में ही चेंज करें या कॉलम को कॉलम में ही चेंज करें तो वैल्यू तो नहीं चेंज होती है लेकिन उसके साइन चेंज होती है, पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा सेकंड का, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके सेकंड प्रॉपर्टी, अगर किसी डिटरमिनेंट के चेंज करते हैं इसमें रो को रो में ही या कॉलम को कॉलम में ही तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है, जैसे डिटरमिनेंट्स इफ एनी टू डिटरमिनेंट्स इफ एनी टू रोज इफ एनी टू रोज कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट or interchange or interchange then the value of the determinant change by minus sign only, change
by minus तो इसमें जैसे कोई डिटरमिनेंट दिया गया है, अगर हम उसको रो को रो में या कॉलम को कॉलम में ही चेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू तो नहीं चेंज होता, लेकिन साइन चेंज होता है। जैसे इसमें है ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, इक्वल्स टू का माइनस। अगर हम रो को रो या कॉलम कॉलम चेंज करते हैं, जैसे यहाँ कहते हैं ए टू बी टू सी टू ए, ए वन बी वन सी वन, ए थ्री बी थ्री सी थ्री। अब इसमें अगर हम रो को रो में चेंज कर दें या कॉलम को कॉलम में चेंज कर दें तो वैल्यू वही रहेगी, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में यानी थ्री फाइव वन टू फोर थ्री और यहाँ वन टू सिक्स, ये जो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ माइनस जाएगा ये, अगर हम इसकी रो को रो में चेंज कर दें यानी टू फोर थ्री थ्री फाइव वन वन टू सिक्स। अब सेकेंड रो को क्या किया जाए, फर्स्ट कर दिया फर्स्ट को सेकेंड, तो जो वैल्यू आएगी इसकी अगर नेगेटिव आए तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो जैसे इसकी वैल्यू निकाल दी मैंने थ्री लेते हैं, ये आपका हो जाएगा थ्री रहेंगे ये कॉलम छूटेगा रो, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर माइनस टू थ्री जा सिक्स माइनस फाइव, ये कॉलम छोटा है रो, सिक्स टू जा ट्वेल्व वन इंटू थ्री माइनस थ्री और प्लस वन लेंगे, ये कॉलम छोटा है रो, टू टू जा फोर फोर माइनस फोर। अब यहाँ पर एटीन या फिफ्टी फोर हो गया और यहाँ नाइन नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी फाइव प्लस जीरो, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हो जाएगा आपका यहाँ पर 14, यहाँ बचा 9 आ जाएगा। अब इसमें इसकी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ 2 लेंगे, ये आपका कॉलम छोटा है रो, 6 5 या 30 माइनस 2 माइनस 4 लेंगे, कॉलम छोटा है रो, 6 3 जा 18 वन इंटू वन माइनस वन और प्लस थ्री लेंगे, ये कॉलम छोटा है रो, थ्री टू जा सिक्स माइनस फाइव, ये हो जाएगा इसमें 28 56 हुआ और यहाँ 70 68 और यहाँ प्लस थ्री, ठीक इसी को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 69। अब हमारा क्या लगा माइनस साइन लगा बाहर। अब इसमें जो वैल्यू आएगी इसकी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, तो अब इसमें 59 9 माइनस 9, तो जो वैल्यू आती है पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है, इसलिए जो वैल्यू आती है या आपका इसको अगर ए मान लें इसको बी मान लें तो डिटरमिनेंट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए। यानी कि इसमें एक यानी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज बाय माइनस वो नेगेटिव हो जाता है। ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई दो रो अथवा कॉलम सेम है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। अगर किसी भी डिटरमिनेंट के दो रो अथवा कॉलम अगर सेम है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है।
इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स जीरो, देन द वैल्यू ऑफ जीरो जैसे आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अगर कोई स्थिति क्या है थर्ड प्रॉपर्टी अगर किसी टीचर में लिखे दो रो अथवा कॉलम सेम है जैसे ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए वन बी वन सी वन ए थ्री बी थ्री सी थ्री रो हो अथवा कॉलम ए वन बी वन सी वन ए वन बी वन सी वन ए थ्री बी थ्री सी थ्री इक्वल टू होता है जीरो। अगर किसी डिटरमिनेंट के दो रो अथवा कॉलम सेम है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे कोई एग्जांपल जैसे यहाँ वन टू थ्री वन टू थ्री यहाँ फोर सिक्स सेवन इसमें लिखते हैं आपके दो रो से तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट जीरो ले सकते हैं चाहे इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए डिटरमिनेंट तो वन लेंगे या फिर कॉलम छोटा वाले रो सेवन टू जो फोर्टीन सिक्स थ्री जाए एटीन माइनस एटीन माइनस टू लेंगे ये कॉलम छोटा है रो सेवन वन जा सेवन फोर थ्री जा ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस थ्री ये कॉलम और रो सिक्स वन जा सिक्स माइनस एट यहाँ हो जाएगा माइनस फोर और यहाँ हो जाएगा माइनस फाइव जो टेन प्लस टेन और यहाँ टू बचा थ्री टू जा सिक्स प्लस सिक्स तो माइनस टेन और हो जाएगा प्लस टेन इक्वल्स टू जी। किसी भी डिटरमिनेंट्स के अगर दो रो और कॉलम टू रो और कॉलम सेम है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर फोर जैसे अगर हम कोई डिटरमिनेंट दिया गया है किसी कॉलम या रो में किसी नंबर सम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह मल्टीप्लाई पूरे डिटरमिनेंट में हो जाता है। जैसे प्रॉपर्टी फोर किसी कोई डिटरमिनेंट दिया गया है तो होता है आपका जैसे के कॉन्स्टेंट कोई के है ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री इक्वल्स टू यहाँ के ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री। किसी रो या कॉलम में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई क्या होता है पूरे डिटरमिनेंट हो जाता है। जैसे हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया किस फर्स्ट कॉलम में तो इसकी वैल्यू जो होगी इसके इक्वल होगी चाहे टोटल वैल्यू निकाल के तब हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करें या किसी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू निकालें दोनों की वैल्यू सेम होती है। ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। अगला प्रॉपर्टी है इसमें जैसे किसी रो अथवा कॉलम में जैसे कोई नंबर ऐड है तो उसको आप दो डिटरमिनेंट की रूप में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नेक्स्ट फाइव जैसे कोई डिटरमिनेंट दिया गया है रो या कॉलम में किसी भी कोई नंबर ऐड है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो
determinant is expressed as a sum of two or more terms then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर किसी डिटरमिनेंट में कॉमा कॉलम या रो में दो एक या दो से अधिक अगर एलिमेंट्स ऐड हैं तो उसको आप दो डिटरमिनेंट के रूप में नोट कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में दिया है, जैसे आपका E1 यहाँ लैम्डा वन मान लेते हैं, E2 प्लस लैम्डा 2, E3 प्लस लैम्डा 3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, इसको आप दो डिटरमिनेंट रूप नोट कर सकते हैं। इक्वल्स टू ये होता है A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 प्लस लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। या इस प्रॉपर्टी से इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू और मोर टर्म्स देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स। जैसे दो या दो से अधिक डिटरमिनेंट रूप में आप उसको नोट कर सकते हैं। जैसे इसमें A1 प्लस लैम्डा 1, A2 प्लस लैम्डा 2, A2 प्लस लैम्डा 3, जैसे यहाँ और अल्फा बीटा गामा होता है, होता आप एक डिटरमिनेंट्स के और नोट कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। तो जितने भी कॉन्स्टेंट पर ऐड होंगे उतने डिटरमिनेंट्स में आगे आप प्लस करके निकाल सकते हैं। इन दोनों की वैल्यू निकाल लीजिए और इसकी वैल्यू दोनों की सेम आएगी, दोनों का अगर वैल्यू निकाल के ऐड कर लेंगे तो उसकी इक्वल्स आपको ये वैल्यू मिलेगी। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 5th था। अब इसी बेस पर आपको क्वेश्चंस हैं, मेन प्रॉपर्टीज कुछ और हैं, इसको नेक्स्ट टाइम बताएंगे। पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज पर आपके क्वेश्चंस। जितनी प्रॉपर्टीज बनाई गई इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, इन्हीं बेस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस, क्योंकि बिना प्रॉपर्टी यूज किए आपको फुल मार्क्स किसी क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे। कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपको यूज करके दिखाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा यूजिंग प्रॉपर्टी, बिना प्रॉपर्टी यूज की आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 4.2, है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको जो सॉल्व करना है यूजिंग बाय प्रॉपर्टीज बेस पर। फर्स्ट क्वेश्चन XYZ ABC X plus A
x प्लस ए, y प्लस बी, z प्लस सी इक्वल टू जीरो। कितना लगा है इसको? लगा ही लगा। क्या बेटा हुआ? अजीज प्लस ए कुछ लगा। देखिए इसमें थर्ड कॉलम में आपको वन टर्म्स ऐड हुआ है, इसको आप दो प्रॉपर्टीज दो स्टेटमेंट के रूप में नोट कर सकते हैं, x, y, z, a, b, c, x, y, z plus x, y, z, a, b, c, a, b, c। जैसे आप प्रॉपर्टी आप बताइए कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर दो रो और कॉलम दोनों अगर सेम है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है, जिसमें भी दो कॉलम सेम है और यहाँ दो कॉलम सेम है इसकी टोटल वैल्यू जीरो जाएगी, इक्वल्स टू जीरो। ये आपको प्रूव करना था प्रॉपर्टी के बेस पे। अगर किसी भी डिटरमिनेंट के दो वैल्यू सेम है और दो रो और कॉलम सेम है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। ओके, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट टर्म पे।